नमस्कार, खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज 27 सितंबर है और रवि सोमवार का दिन है। सोमवार का दिन आज वैसे तो इसलिए महत्वपूर्ण है कि आज किसान संगठनों ने भारत बंद का आह्वान किया है और जिसके चलते आज देश भर में लगभग मंडियों में कामकाज बंद रहा है और किसी भी मंडी से कोई भाव जैसी चीज़ सामने नहीं आई और कुछ एक दो मंडियों में कुछ हलचल हुई है तो उनके भाव का जिक्र करेंगे। फिर आज सरसों की जो नई जो पोजीशन बन रही है, नई जो दिशा बन रही है, उस पर बात करेंगे और सरकार ने एक और कदम उठाया है उस पर भी बात होगी। तो सबसे पहले आपसे निवेदन कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन की घंटी जरूर दबाइए ताकि जैसे ही हमारा वीडियो अपलोड हो आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुँचे। आप शेयर और लाइक करते हैं, आपका इसके लिए हृदय से आभार। आइए बात करते हैं सरसों की। सोमवार के दिन सरसों कैसी रही, पहले बात शुरू करेंगे शनिवार से। शनिवार को सरसों काफ़ी डाउन पोजीशन में थी, काफ़ी नीचे जा रही थी। NCDX तो शनिवार को खुला नहीं था, लेकिन शुक्रवार को जब NCDX बंद हुआ तब एक अच्छी हाइट देने के बाद में फिर वापस आकर के बंद हुई, यानी थोड़ी कमजोरी के साथ बंद हुई। लेकिन उसी दिन हमने देखा कि शाम को सलोनी के दाम के अंदर, सलोनी का जो ब्रांड है उसका जो भाव है उसमें 50 रुपये की शाम को तेजी दर्ज की गई। इसी तरह से जयपुर के भाव के अंदर 25 रुपये की वृद्धि शुक्रवार को दर्ज की गई। शनिवार को फिर थोड़ी सी तेजी बनी, यानी तेजी तो आप नहीं कह सकते लेकिन वो भाव बिल्कुल स्टेबल रहे जो शुक्रवार शाम को बने, वो भाव अगले दिन शनिवार को भी स्टेबल रहे। कल रविवार था और हर तरह से अवकाश था, आज भी अवकाश जैसी स्थिति है, लेकिन आज जयपुर का जो भाव है वो खुला है 8275 रुपये और भरतपुर का, जयपुर का नहीं, भरतपुर का भाव खुला है 8275 रुपये और जयपुर का भाव रहा है 8750 रुपये। कुछ और एक आध मंडियों में भी सरसों का व्यापार हुआ है, कारोबार हुआ है, लेकिन उनके ठीक ठाक भाव उपलब्ध नहीं हो पाए हैं क्योंकि मंडियाँ आज लगभग बंद रही हैं। अब देखिए सरसों की जो दिशा बन रही है वो एक स्टेबल पोजीशन की दिशा बन रही है, यानी ना बहुत अधिक मंदा है ना बहुत अधिक तेजी है। पिछले 10 दिन से लगभग सरसों एक ही भाव पर स्टेबल है और ये स्थिरता इसलिए बनी हुई है कि सरकार ने तेल तिलहन पर इनके जो कथित रूप से महंगाई आ रही है खाद्य तेलों के अंदर, सरसों के तेल के अंदर विशेष रूप से, उस पर अंकुश लगाने के लिए पिछले हफ्ते जो एक आदेश जारी किया था कि पोर्टल के ऊपर जो तेल तिलहन का जो स्टॉक है उसको रजिस्टर्ड किया जाए, यानी उसको घोषित किया जाए, उससे एक बाजार के अंदर, व्यापारी वर्ग के अंदर एक दहशत बनी और उससे बाजार थोड़ा सा टूट करके स्टेबल हो गया। अब स्थिति क्या बन रही है, आज फिर सरकार ने ये कहा है कि हमने तेल तिलहन के लिए एक अलग विशेष पोर्टल बना दिया है। विशेष पोर्टल इसलिए बना दिया है ताकि अकेला तेल तिलहन का रिकॉर्ड एक ही पोर्टल पर आता रहे और उसके अंदर क्या होगा, हर हफ्ते आपको अपना स्टॉक न केवल अनाउंस करना होगा कि इतना हमारे पास स्टॉक है और भाव के जो स्थितियां हैं भाव भी आपको अपलोड करने होंगे कि आज आपके पास जो स्थितियां हैं जो सरसों हैं उसका ये भाव है, आज जो सरसों का जो तेल है उसके ये भाव है। तो यानी तेल तिलहन के जो जितने भी सारे आगे छोटे मोटे जो उत्पाद हैं उन सब का रिकॉर्ड आपको पोर्टल पर हर हफ्ते अपलोड करना होगा। इससे एक ट्रांसपेरेंसी आएगी और ट्रांसपेरेंसी के साथ 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 हर कोई उस पोर्टल को देख सकेगा कि बाज़ार की वास्तविक स्थिति क्या है, कितना माल कहाँ मौजूद है, कहाँ पड़ा है और बाज़ार के जो भाव हैं उनकी क्या स्थिति है। अब इसमें क्या होगा कि देखिए पोर्टल तो आपने अनाउंस कर दिया सरकार ने, लेकिन देखिए स्टॉक नहीं है आप लोगों के पास, व्यापार के पास तो स्टॉक है नहीं, ना किसी स्टॉकिस्ट के पास कोई लंबा चौड़ा स्टॉक है, ना किसी मिलर के पास है, ना किसी व्यापारी के पास है, सिर्फ और सिर्फ स्टॉक पड़ा हुआ है किसान के पास और किसान इस बात की प्रतीक्षा कर रहा है, इस बात को इंतज़ार कर रहा है कि कब सरसों के भाव और बेहतर हों और अच्छे हों और अच्छी स्थिति में भाव आए। वो दिवाली तक भी इंतज़ार करने की स्थिति में है और दिवाली के बाद की जो समय है उसका भी इंतज़ार करने को तैयार है, लेकिन उसे भाव इस बार बहुत अच्छी स्थिति में चाहिए। तो इसलिए इस पोर्टल का असर, कोई बड़ा असर होने वाला नहीं है। हाँ ये हो सकता है कि अब सरसों कुछ दिन
इन्हीं भावों के अंदर 100 रुपये अप डाउन के साथ इन्हीं भावों के ऊपर स्थिर बनी रहे और कोई बड़ी तेजी कुछ दिन तक देखने को ना मिले। कुछ जानकार ये भी कहते हैं कि क्योंकि 5 राज्यों के चुनाव हैं बहुत जल्दी और 5 राज्यों के चुनाव में सबसे महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश है, इसीलिए आपको ध्यान होगा कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने सबसे पहले वो पोर्टल का स्टॉक रजिस्टर कराने का जो आदेश है वो सबसे पहले यूपी की सरकार ने जारी किया था। तो यूपी के चुनाव को बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है सरकार के लिए, इसलिए सरकार चाहती है कि तेल में और सरसों में बहुत अधिक भाव ना बढ़े, तेलों पर, खाद्य तेलों पर अंकुश रहे, इसलिए ये सब कदम उठाए जा रहे हैं। और देखिए, इसके बावजूद सरसों वापस जाने की उसमें तैयारी में नहीं है, टूटने की तैयारी में नहीं है, एक स्टेबल भाव पर पे आकर के खड़ी जरूर है। आने वाले समय के अंदर 2-4 दिन के अंदर, 5 दिन के अंदर कोई बड़ी तेजी देखने को मिलेगी ऐसी संभावना कम है, लेकिन बहुत बड़ी गिरावट की भी संभावना नहीं है। तो अब इसे कंक्लूजन में क्या कहना चाहिए, कंक्लूजन में ये कहना चाहिए कि सरसों की जो स्थिति है अब, जिस जो किसान बहुत ऊंचे भाव की इंतज़ार कर रहे हैं उनका, उनके लिए समय थोड़ा सा और लंबा लग सकता है, थोड़ी देरी और हो सकती है, लेकिन सरसों के अंदर बड़ी गिरावट की या बड़े मंदे की संभावना अभी नहीं है। हो सकता है कि 100-200 रुपए की एक बार फिर तेजी बन जाए, लेकिन भाव लगभग लगभग एक बार यहीं बने रहने की संभावना है। नमस्कार।